वेलकम टू माई YouTube चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लास 11th लेसन, जिसका नाम है द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, जिसको लिखा है अमिताभ घोष नाम के राइटर ने। ये जो स्टोरी है ये अमिताभ घोष का एक प्रॉमिस है जो उन्होंने फुलफिल किया था अपने फ्रेंड के लिए जिसको कैंसर हो गया था, जिनका नाम है आगा शाहिद अली, जो कि कश्मीरी पोएट हैं। अगर आप चाहें तो आप सब्सक्रिप्शन में उनका लिंक देख सकते हैं। आगा शाहिद अली पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। ये एक नोट पे स्टार्ट होता है चैप्टर, जहाँ पे शाहिद, जिसको एक मैलिग्नेंट ट्यूमर हो चुका है, वो अपनी याद ताज़ा रखना चाहता है और वो ऑथर को बोलता है कि तुम मेरे बारे में लिखोगे जब मैं मर जाऊँगा, क्योंकि वो उसको ये लगता है कि धीरे धीरे वो भूलता चला जा रहा है चीज़ों को, और जो कि ऑथर है उसको इस बात का जवाब नहीं दे पाता क्योंकि वो फ़ोन पे उससे ये बात बोलता है। शाहिद उसको अच्छे से जानता था ऑथर को, और ऑथर ये बताता है कि उसने उसकी लाइफ के बारे में जो जो उसके इनकाउंटर्स हुए या टेलीफोन कॉन्वर्सेशन शाहिद के साथ हुए वो लिखता चला गया। अब ऑथर का फैसिनेशन था कि वो अपने फ्रेंड के साथ घूमे, और अमिताभ जो है अमिताभ घोष वो बताते हैं कि शाहिद को वो उसकी पोइट्री के लिए जाना करते थे, ही वॉज अ कश्मीरी पोएट, और फ्रेंड के थ्रू वो मिले थे और बाकी आगे चल के तो वो अक्वेंटेंस के जैसे ही रहे। एक साल बाद शाहिद जो हैं वो ब्रुकलिन चले जाते हैं और तब उनकी मुलाकात ज़्यादा बढ़ जाती है ऑथर से, और तब वो ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, और उसको सडन मेमोरी लैप्सेस होने लग जाते हैं क्योंकि उसके दिमाग में एक ट्यूमर हो जाता है कैंसर की वजह से। शाहिद जो है वो मैनहट्टन जाते हैं अपनी सिस्टर के साथ रहने। ऑथर यहाँ पे मेंशन करते हैं कि जब वो शाहिद को उसकी सिबलिंग उसकी सिस्टर के यहाँ से पिकअप करने जाते हैं हॉस्पिटल के लिए, तो शाहिद वहाँ पे व्हीलचेयर लेने से मना कर देते हैं, बोलते हैं कि वो अपने पैरों पे चल के जा सकते हैं। अब जब वो अपना बैलेंस खो देते हैं तो उनको फिर से व्हीलचेयर पे बैठाना पड़ता है, लेकिन शाहिद जो थे वो बहुत फुल ऑफ लाइफ थे, वो फिर से ऊपर उठते हैं और फिर वो जाने लग जाते हैं। और जब उसको ये पता चलता है कि वहाँ पे जो एक लड़का था उसको स्पैनिश आती थी, तो वो स्पैनिश सीखना चाहते थे, मतलब शाहिद के अंदर एक विगर थी कि वो हर चीज़ सीखना चाहता था। और ऑथर और शाहिद के बीच में बहुत सारी चीज़ें थी वो जो कॉमन थी, जैसे इंडियन डिशेज के लिए उनका प्यार, जैसे कि रोगन जोश, या फिर क्रिकेट को लेके उनके बीच में जो इंडिफरेंसेस होते थे। और ये जानते हुए कि शाहिद बीमार थे और शाहिद को बीमारी कहीं ना कहीं दूर ले जा रही है उसकी लाइफ से, वो मरने वाला है, वो कहीं पे भी सैड नहीं था। उसके घर में हमेशा एक पार्टी चलती रहती थी, लिविंग रूम में कोई ना कोई व्यक्ति उसके घर के किचन में होता था जो कि रोगन जोश या कोई ना कोई कश्मीरी डिश पका रहा होता था, और वहाँ से शाहिद जो है उसको इंस्ट्रक्शंस देता है किसी किसी को कि उसमें दही डाल देना, उसमें मसाले ऐड कर देना। इस तरीके से घर के माहौल में एकदम पार्टी का माहौल था। यहाँ पे गज़ल सिंगर्स की बात करते हैं और उसके पास हर चीज़ का एक विटी रिप्लाई होता है। एक बार्सिलोना एयरपोर्ट का इंसिडेंट बताया गया है जब वहां पे सिक्योरिटी गार्ड था और सिक्योरिटी गार्ड ने उससे बात करी और उसने वहां पे अपनी पोएट्री मेंशन करी। ऑथर फिर आगे बताता है सिचुएशन जो कश्मीर में थी जो उसको इफेक्ट करती हैं। वो कश्मीर से बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन वो वहां पे देखता है आगा शाहिद अली कि वहां बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स और बहुत ज्यादा रिलीजन के नाम पर लोगों को सेपरेट किया जा रहा है, और उसको लगता है कि लोगों को एक साथ रहना चाहिए रिलीजन चाहे जो भी हो। और वो क्रेडिट इस चीज का अपनी अपब्रिंगिंग को देता है। वो बताता है कि कैसे उसकी मदर उसको इंडियन जो आइडल्स होती हैं देवी देवताओं की वो घर में लाने देती थी, एंड बीइंग अ मुस्लिम ही कुड वर्शिप देम आल्सो। ऑथर यहाँ पे मेंशन करते हैं कि वो चाहता है कि वो कश्मीर में जाके अपनी आखिरी सांसें लें, जो कि बिल्कुल भी लॉजिस्टिक या बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है उसके इशूज़ के कारण में। और सोते सोते ही रात को उसकी लाइफ चली जाती है, और ऑथर जो है अब वो सोचता है कि इतने कम समय में कोई ऐसी लास्टिंग बॉन्ड कैसे बना सकता है। एक उनका जो बहुत ही नोटेबल वर्क है वो यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, आगा शाहिद अली की एक पोएट्री है। येस आई रिमेंबर इट द डे आई डाई, आई ब्रॉडकास्ट द क्रिम्सन सो लॉन्ग अगो ऑफ दैट स्काई, इट्स स्प्रेड एयर इट्स रशिंग डाइज इन अ पीस ऑफ अर्थ, ब्लीडिंग अपार्ट फ्रॉम द शोर एज ही वेंट ऑन द डे आई डाई, पोज द गार्ड्स एंड ही कीपर ऑफ द वर्ल्ड्स लास्ट सैफरन, सैफरन यहाँ कश्मीर का मेंशन है, रोड मी ऑन एन आइलैंड द साइज ऑफ अ ग्रेव, ऑन टू यार्ड्स ही रोड मी इन टू द सनसेट पास्ट ऑल पेन, ऑन एवरी वन लिप्स वॉज न्यूज ऑफ माई डेथ, बट ओनली द बिलावड कपलेट ब्रोकन ऑन हिज, इफ देयर इज पैराडाइज ऑन दिस अर्थ, इट इज दिस, इट इज दिस, इट इज दिस। तो वो इस तरीके से अपनी डेथ को प्रिडिक्ट करता है कि वो चाहता है कि उसकी जो मौत हो वो कश्मीर में हो, जब यहाँ पे अर्थ ब्यूटीफुल हो और बहुत सारे कलर्स का मेंशन है, केसर का मेंशन है। और वो बोलता है जैसे कि एक बहुत ही फेमस पोएट ने कहा है, अगर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है, जो कि कश्मीर के लिए कहा जाता है। आई होप यू लाइक दिस ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।